दोस्तों सैमसंग ने आज एक टीजर को रिलीज किया जिसमें उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के अनपैक्ड इवेंट को अनाउंस कर दिया दोस्तों, जो कि 23 सितंबर को होने वाला है, यानी 23 सितंबर को इसका अनपैक्ड इवेंट होने वाला है, जहां पर हमें ये सैमसंग गैलेक्सी S20 FE स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने जो टीजर को रिलीज किया ना उसमें तो कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह सामने नहीं आई है, लेकिन इवेंट प्लस के थ्रू इसके सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, जो कि दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपने आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में बताने वाला और आखिरकार क्या कुछ प्राइस की हो सकती है वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो वो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई, हाँ तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच की एक इन्फिनिटी ओ वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि फ्रंट पर आपको वो होल देखने को मिलने वाला है। और देखा जाए ना तो स्मॉल आप ये होल जो देखने को मिलेगा आपको ये काफ़ी छोटा होगा, जो कि स्मार्टफोन के लुक को बहुत ही बढ़िया बनाने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर हमें 120Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी डिस्प्ले भी काफ़ी कमाल की होने वाली है और सैमसंग की डिस्प्ले होगी, यानी बहुत ही कमाल की होने वाली है। अभी यहाँ पर अच्छी बात दोस्तों ये सामने आई कि यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन का 865 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। ये केवल US में देखने को मिलेगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन दूसरे देशों में इंडिया वगैरह में अगर ये आता है तो एक्सेस के चिपसेट के साथ आएगा या फिर नहीं, ये तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, वो तो हमें लॉन्च इवेंट में ही कंफर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही मतलब यहाँ पर हमें 8GB + 128GB रैम वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। अगर आप चाहो तो इसमें 1TB तक इसके स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हो अगर आप SD कार्ड लगाते हो तो। और दोस्तों यहाँ पर हमें 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी ने बहुत यहाँ पर भयंकर काम करा है, जो कि है कि हमें इस बॉक्स के अंदर, इस स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर 15W का चार्जर देखने को मिलेगा, लेकिन जो फ़ोन है वो 25W की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कॉस्ट कटिंग के लिए ये तो बहुत बढ़िया कार कंपनी ने यार। अब कहीं ना कर पता इन्हें पैसे कुछ काट नहीं थे, जो कि इन्होंने करके दिखा दिया। साथ ही मतलब यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पर हमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है काफ़ी। अगर कैमरा सेटअप की बात करें दोस्तों तो हमें पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमें प्राइमरी जो यानी कि जो मेन कैमरा होगा वो 12MP का होगा, दूसरा भी 12MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ में आएगा और जो तीसरा कैमरा होगा वो 8MP के टेलीफोटो सेंसर के साथ में आने वाला है। फ्रंट पर दोस्तों यहाँ पर आपको छोटे से होल में 32MP की सेल्फी देखने को मिलने वाली है और इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा फीचर काफ़ी बढ़िया बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों ये तो मैंने इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको बता दिए गए। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो कंपनी की तरफ से अभी तो कोई भी कंफर्मेशन प्राइस सामने नहीं आई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन प्राइस निकल कर आ रही है लीक्स वगैरह में वो आ रही है कि इसकी प्राइस लगभग $699 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। मैं आपको दोस्तों पहले ही बता रहा हूँ ये कंफर्म प्राइस नहीं है, कि ये केवल रूमर्स में सामने आया है। दोस्तों आपको इस सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के बारे में जानकर क्या लगा है आप ये थोड़ा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हो साथ में टेक्निकल, मैं मिलता हूँ आपको एक किसी नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।